अगर आप भी YouTube से पैसा कमाना चाहते हो तो अपने चैनल पे भूल के भी दो गलतियां कभी मत करना, नहीं तो YouTube से आप कभी पैसा ही नहीं कमा पाओगे। जिन लोगों ने अपने चैनल पे दो गलतियां किया है आज तक YouTube से उन्होंने एक रुपया नहीं कमा पाया और खासकर ना कभी कमा पाएंगे। देख लो कहीं तुम लोग भी ये गलतियां अपने चैनल पे कर तो नहीं रहे हो, अगर कर रहे हो तो आज से बंद कर दो, नहीं तो फ्यूचर में एक पैसा नहीं कमा पाओगे चाहे आपके चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए 10 मिलियन हो जाए, क्योंकि यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है। और अगर लास्ट वाली गलती अगर आप लोग कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 10 मिलियन सब्सक्राइबर अगर होगा, चैनल मोनेटाइज हो गया उसके बाद कब डिलीट होगा आपको पता नहीं चलेगा, आपका एक झटके में आपका फ्यूचर बर्बाद। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। तो आपको भी यूट्यूब से ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने चैनल के अबाउट में आपको बिजनेस ईमेल डाल देना है, क्योंकि क्या पता कब आपको कोई ब्रांड कंटेंट कर ले तो आपको अपने चैनल के अबाउट में बिजनेस ईमेल को डाल देना है। और दूसरी गलती जो हर शॉर्ट क्रिएटर और फैक्ट क्रिएटर सबसे ज्यादा करते, क्या करते, किसी के भी वीडियो को डायरेक्ट डाउनलोड करते फिर वॉइस ओवर करके और डायरेक्ट अपलोड करते, जो कि सबसे बड़ी उनकी गलतियां हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोग वॉइस ओवर कर दे तो आपकी वीडियो हो गई? नहीं, वो जिसकी वीडियो उसको पता चल जाएगा, अगर वो चाहेगा तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर चैनल के, चाहे 1 मिलियन सब्सक्राइबर के चैनल हो, उनको डिलीट करा सकते हैं। तो आपको कैसे बचना है मैं बताता हूं। वॉइस ओवर ही करना है तो 10-12 चैनल से वीडियो को एक एक डाउनलोड करो, फिर उसको कट करो, एडिट करो, फिर उसमें वॉइस ओवर करो जिससे वो आपकी वीडियो हो जाए और यूट्यूब को ऐसा लगेगा वो आपकी वीडियो, तो कभी बंदा कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेज पाएगा। एंड दूसरा तरीका, आपको उस वीडियो से आइडिया लेकर खुद का कंटेंट बनाना है फिर अपलोड करना है, इसे तो कोई भी कभी स्ट्राइक नहीं भेज पाएगा। और ये आपको करना चाहिए, वॉइस ओवर को छोड़ो, आप दूर करो, खुद का कंटेंट बनाना शुरू करो।